क्या हुआ भाई, टेंशन में लग रहे हो? वो कल एक होटल में गया था, सोचा टीवी पे फीफा वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल देख लूं। तो टीवी पे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का क्रिकेट मैच चल रहा था, वो भी हाईलाइट। पता नहीं इंडिया में लोगों को क्रिकेट देखकर कौन सा ऑर्गेजम आ जाता है। एक बार रास्ते पे सनी लियोन का बड़ा वाला फ्लेक्स नहीं देखेंगे, लेकिन उसके नीचे की छोटी सी दुकान के अंदर ट्रैफिक में गाड़ी रोक कर दूरबीन से झांक कर क्रिकेट का स्कोर देखना है लोगों को। इंडिया में बच्चों को हाथ में अपना नुन्नू पकड़ने से पहले तो बैट पकड़ा दिया जाता है। लेकिन भाई फुटबॉल के फैंस भी तो है हमारे देश में। हाँ है ना फैंस फुटबॉल के, लेकिन वो हमारे नहीं, बाहर के देश के। पोर्तुगाल, अंटीजिना, इटली वड़ा सांबर, इनका तो नाम भी ढंग से नहीं लिया जाता। दुनिया के मैप में कौन से कोने में पड़े मिलेंगे ये देश पता नहीं। कभी इंडिया के टीम को देखा है फीफा वर्ल्ड कप में? अरे फीफा छोड़, इस साल तो वो एशियंस गेम में भी नहीं भेजा अपनी टीम को। कहाँ है कहाँ अपनी इंडिया की फुटबॉल टीम। मैं बोल रहा हूँ किसी गांव में गली क्रिकेट खेल रही होगी। और इसमें इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि इन्हें कोई सपोर्ट करने वाला भी तो होना चाहिए। वो रणजी क्रिकेट के मैदान पूरा ऑडियंस से भरा पड़ा होता है, और यहाँ इंडियन फुटबॉल के कप्तान को फेसबुक पे वीडियो डालकर लोगों को सपोर्ट देने के लिए बुलाना पड़ता है। वो क्रिकेट वालों को नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिलता है। उनके नाम के बॉलीवुड में मूवीज बनाए जाते हैं, टीवी में बड़ी बड़ी एड्स में आने का मौका मिलता है। हमारे फुटबॉल के खिलाड़ियों को सादा विमल पान मसाले का एड भी नहीं मिलता। जब इनके पास ना सपोर्ट, ना नाम, ना जेब में पैसे होंगे, जिस देश के लिए ये लोग खेल रहे हैं उस देश को इनकी कोई परवाह नहीं, तो कहां से मिलेगा इनको अच्छा खेलने का मोटिवेशन। वो फीफा में ब्राजील हार गई तो अर्जेंटीना के इंडियन फैन रात भर नाच रहे थे। हालांकि अर्जेंटीना ऑलरेडी बाहर हो गई थी वर्ल्ड कप से। वो केरला में किसी ने सुसाइड कर लिया कि मेसी की टीम बाहर हो गई, वो गलत हुआ। लेकिन यहाँ हमारे फेडरेशन ने इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में जाने से मना कर दिया, उसके लिए किसी ने कोई आवाज तक नहीं उठाई। मैं आज आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर वो क्रिकेट है तो ये फुटबॉल क्यों? खेल तो वो भी है, खेल तो ये भी है, जीत हार तो वहाँ भी होती है, हार जीत तो यहाँ भी होती है, तो क्यों हम सिर्फ उनके लिए इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं? क्या ये इंडिया के लिए खेलते नहीं? कटे हाथों से जलते घाव के साथ वो खेलते हैं, लेकिन ऐसे घाव तो ये रोज झेलते हैं, तो क्यों हम सिर्फ उनके घाव भरते? क्या इनके घाव घाव नहीं? चर्चे उनके काफी होते हैं, फ्रंट पेज पे हमेशा उनके जश्न होते हैं, लेकिन दोस्तों आखिरी के पन्नों में इनके करामात भी होते, तो क्यों हम सिर्फ उनकी जीत त्योहारों की तरह मनाते? क्या इनकी जीत मनाना हमारा हक नहीं? हाँ तोड़े हैं उन्होंने अनगिनत रिकॉर्ड, लेकिन इतिहास रचना ये भी तो जानते हैं, उनके भगवान भी इसी देश में जन्मे हैं, तो उसी मिट्टी से इनके मसीहा भी निकले हैं। आज देश के लिए खेलने का सपना वो जी रहे हैं, और ये सपने के साथ ये भी जी रहे हैं, तो क्यों हम सिर्फ उनके साथ राष्ट्रगीत गाते हैं? क्या इनका राष्ट्र हमारा राष्ट्र नहीं? देखो गाइज, मैं तो बस इतना चाहता था कि जितना प्यार और सपोर्ट आप क्रिकेट को देते हो उतना बाकी के खेल को भी दो। जो पोएम आपने लास्ट में सुनी वो मेरे एक दोस्त की ख्वाहिश थी कि उसे पढ़कर मैं आपको सुनाऊं। उसके इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।